हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की, एक करंट इश्यू की बात करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है गुजरात इलेक्शन 2022। आज से 25 दिन बाद गुजरात विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस वीडियो में हमने तकरीबन 30 से 40 महत्वपूर्ण फैक्ट ऐड किए हैं। यदि आपको जरा सा भी इलेक्शन में इंटरेस्ट है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, वर्तमान यानी कि 2022 में गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? हाल ही में गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? संजय प्रसाद। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन, वर्तमान यानी कि 2022 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? या तो यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। वर्तमान में यानी कि 2022 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? या तो वही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला? राजीव कुमार ने। सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, राजीव कुमार। और राजीव कुमार ने किसका स्थान लिया है? सुशील चंद्रा का स्थान लिया। और सुशील चंद्रा से पहले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुनील अरोरा थे, लेकिन वर्तमान में है राजीव कुमार। सही आंसर ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी? वी एस रमा देवी। कौन? वी एस रमा देवी हमारे भारत देश की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला थी। चौथा क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, पहले नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। पांचवा क्वेश्चन, गुजरात में कितने चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाला है? दोस्तों, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ने गुजरात इलेक्शन की घोषणा कर दी है और गुजरात में कितने? दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। छठा क्वेश्चन, गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान कब किया जाएगा? गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान कब किया जाएगा? 8 दिसंबर को। कब? 8 दिसंबर को। सातवां क्वेश्चन, गुजरात के अलावा और किस राज्य में चुनाव होने वाला है? गुजरात के साथ साथ और किस राज्य में यह विधानसभा चुनाव होने वाला है? तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। आठवां क्वेश्चन, गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले राउंड का मतदान कब होगा? गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले राउंड का मतदान कब होगा? 1 दिसंबर को। नौवां क्वेश्चन, गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग कब होगी? गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग होगी 5 दिसंबर 2022 को। दसवां क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में कितने चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाला है? तो हिमाचल प्रदेश में
एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होने वाला है। 11वां क्वेश्चन, 14वीं गुजरात विधानसभा का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है? 14वीं गुजरात विधानसभा का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है? 18 फरवरी 2023 को। 14वीं गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को समाप्त होने वाला है। 12वां क्वेश्चन, गुजरात विधानसभा चुनाव में कितने मतदाता वोट डालेंगे? गुजरात विधानसभा चुनाव में कितने मतदाता वोट डालेंगे? तो हमारे गुजरात राज्य की जनसंख्या कितनी है? तकरीबन 7 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, जिनमें से वोटर की संख्या है 4.9 करोड़। कितनी? 4.9 करोड़ गुजरात विधानसभा चुनाव में मतदाता वोट डालेंगे। हमारी दोस्तों 18 वर्ष से ऊपर की आबादी की संख्या है वर्तमान समय में 4.9 करोड़, यानी कि इतने मतदाता यह गुजरात विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे। कौन सा क्वेश्चन आया? 13वां, गुजरात विधानसभा चुनाव में कितने वोटर ऐसे हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि हाल ही में उनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हुई है और उन्हें अभी दोस्तों वोटर कार्ड भी मिल गया है और अपने पहली बार मताधिकार का प्रयोग करने वाले ऐसे वोटर की संख्या कितनी है? 4.6 लाख। कितनी? 4,60,000 के आसपास ऐसे वोटर है जो पहली बार यह गुजरात विधानसभा चुनाव में वोट देने वाले हैं। तो सही आंसर बनेगा 4.6 लाख। 14वां क्वेश्चन, गुजरात राज्य में मतदान के लिए कुल कितने केंद्र बनाए जाएंगे? गुजरात राज्य में मतदान के लिए कुल कितने केंद्र बनाए जाएंगे? सोचिए कि हमारे गुजरात राज्य में गांवों की संख्या तकरीबन 18,000 के आसपास है और हर एक गांव में एक या दो तो कम से कम ऐसे वोट बूथ बनाए जाएंगे। तो याद रखना 51,782। कितने? गुजरात राज्य में 51,782 केंद्र बनाए जाएंगे जहां से मतदान किया जा सकता है। 15वां क्वेश्चन, मतदाताओं के अनुभव को बेहतर करने के लिए गुजरात में कितने मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे? मतदाताओं के अनुभव को बेहतर करने के लिए गुजरात में कितने मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे? बेहतर करने के लिए 42, लेकिन सिर्फ 42 नहीं, 142 ऐसे पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे जो मॉडल होंगे, 142। 16वां क्वेश्चन, गुजरात में कितने मॉडल पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जहां सिर्फ महिला कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएंगे? दोस्तों हमारे गुजरात में एक ट्रायल तौर पर ऐसा किया गया है कि यह मॉडल पोलिंग स्टेशन में सभी महिलाएं ही काम करेंगी, वो महिला कर्मी हो या सुरक्षा कर्मी हो। तो ऐसे हमारे गुजरात में कितने पोलिंग स्टेशन होंगे? 1,274। कितने? 1,274। 17वां क्वेश्चन, दिव्यांगों के लिए भी गुजरात में कुल कितने स्पेशल पोलिंग स्टेशन होंगे? दिव्यांगों के लिए हमारे गुजरात में स्पेशल पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। गुजरात विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? ठीक उतने ही मॉडल पोलिंग स्टेशन दिव्यांगों के लिए बनाए जाएंगे। 18वां क्वेश्चन, गुजरात में एक पोलिंग स्टेशन ऐसा है जहां सिर्फ एक ही मतदाता है। क्या? गुजरात में एक पोलिंग स्टेशन ऐसा है जहां सिर्फ एक ही मतदाता है, लेकिन उनके मत के लिए भी 15 कर्मियों की टीम जाएगी। इस पोलिंग स्टेशन का नाम बताइए। क्या? सिर्फ एक वोट लाने के लिए 15 कर्मियों को भेजा जाएगा, यानी कि सिर्फ एक वोट वाला यह एक बूथ है जिसका नाम क्या है, किस जिले में अवस्थित है, याद रखो गिर सोमनाथ जिले के मधुपुर जंबूर में सिर्फ एक वोटर के लिए 15 चुनाव कर्मियों की टीम को भेजा जाएगा और यह व्यक्ति अपना वोट डाल देता है तो इस पोलिंग स्टेशन पर 100% वोटिंग हो जाएगी और 15 लोगों की यह पूरी टीम वापस लौट आएगी।
सिर्फ एक वॉट लेने के बाद। ओके, तो देखो गुजरात में एक पोलिंग स्टेशन ऐसा है जहां सिर्फ एक ही मतदाता है, लेकिन उनके मत के लिए भी 15 कर्मियों की टीम जाएगी। इस पोलिंग स्टेशन का नाम बताइए। तो गिर सोमनाथ जिले के मधुपुर जंबोर में सिर्फ एक वोटर के लिए 15 चुनाव कर्मियों की टीम को भेजा जाएगा। 19वां क्वेश्चन, 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के मतदान के लिए गुजरात में क्या सुविधा की गई है? जिसकी आयु 80 साल से अधिक है ऐसे बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए मतदान करने के लिए गुजरात में क्या सुविधा की गई है? तो घर से ही बैलेट पेपर के जरिए मतदान कर सकेंगे, यानी कि एक टीम को उनके घर पर भेजा जाएगा, लेकिन उनको एक 12A या 12D नामक फॉर्म भी भरना होगा। ओके, तो घर से ही बैलेट पेपर के जरिए मतदान कर सकेंगे। 20वां, कितनी फीसदी से ज्यादा दिव्यांगता से प्रभावित लोगों को घर से ही बैलेट पेपर के जरिए मतदान करने की सुविधा दी गई है? दोस्तों हमारे गुजरात में जो भी दिव्यांग व्यक्ति है, लेकिन दिव्यांग की प्रतिशत 40% से अधिक है। कितने? 40% से अधिक कोई व्यक्ति दिव्यांग है, तो उनके लिए घर से ही मतदान करने की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। देखो कितनी फीसदी से ज्यादा दिव्यांगता से प्रभावित लोगों को घर से ही बैलेट पेपर के जरिए मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति 40% से अधिक दिव्यांग है, तो एक टीम उनके घर पर जाएगी, बैलेट पेपर दिया जाएगा, बैलेट पेपर पर मुहर लगाकर वो बैलेट पेपर एक लिफाफे में बंद कर वो टीम फिर से वापस आ जाएगी। कुछ इस तरह की सुविधा इस साल की गई है। 21वां क्वेश्चन, गुजरात में करीब कितने मतदाता ऐसे हैं जिनकी आयु 80 साल से अधिक है? तो हमारे गुजरात में 9.80 लाख, कितने? 9.80 लाख ऐसे मतदाता है जिनकी आयु 80 साल से अधिक है। 22वां क्वेश्चन, मतदाता यदि कहीं भी मनी पावर या मसल पावर का इस्तेमाल होता देखते हैं तो वे किस ऐप पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं? दोस्तों आप भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं यदि कोई भी वोटर यदि पैसा लेता है या तो मसल पावर या तो किसी के साथ लड़ता झगड़ता है, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उनके लिए हमारे इलेक्शन कमीशन ने एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की है जिसका नाम है क्या? सी विजिल, याद रखना सी। यदि मतदाता मनी पावर या मसल पावर का इस्तेमाल होते देखते हैं तो वे सी विजिल ऐप पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और शिकायत करने पर 100 मिनट के भीतर चुनाव आयोग की ओर से जवाब दिया जाएगा। 23वां क्वेश्चन, गुजरात में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? मैंने आपको बता दिया गुजरात में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 182, और 182 दिव्यांगों के लिए एक मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। कितने? 182। 24वां फैक्ट क्वेश्चन, गुजरात विधानसभा में बहुमत के लिए कितनी सीटों की जरूरत होती है? दोस्तों 182 का आप आधा कर लीजिए, आधे से प्लस एक ज्यादा, तो कितनी हो गई? गुजरात विधानसभा में बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 92 सीटों की जरूरत है। कोई भी पार्टी यह आंकड़ा पार कर लेती है तो उनकी सरकार बनेगी। 25वां क्वेश्चन, 2017 के विधानसभा चुनाव भाजपा को कितनी सीटें मिली थी? 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? 99। 26वां क्वेश्चन, 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, और 6 सीटें निर्दलीय और अन्य के खाते में गई थी। 27वां क्वेश्चन, गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कितनी सीटों पर मतदान होगा? दोस्तों गुजरात में 2 चरणों में यह विधानसभा चुनाव होने वाला है, और पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा।
28वां क्वेश्चन, चुनाव आयोग के मुताबिक गुजरात में दूसरे चरण में कितनी सीटों पर मतदान कराया जाएगा? दोस्तों पहले चरण में 89 सीटों पर, तो बाकी कितनी रह गई? 92, दोनों को जोड़ दिया जाए, सॉरी 93, 89 प्लस 93 हो गई 182। तो गुजरात में दूसरे चरण में कितनी सीटों पर मतदान कराया जाएगा? 93 सीटों पर। ओके, 29वां क्वेश्चन, गुजरात चुनाव 2022 में कोरोना पीड़ितों के लिए क्या सुविधा की गई है? दोस्तों यदि किसी भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो वो भी वोट डाल सकता है, उनके लिए क्या सुविधा की गई है? घर से मतदान की सुविधा की गई है बैलेट पेपर के जरिए, या कोरोना पीड़ित व्यक्ति भी अपना वोट डाल सकता है? तो सही आंसर है घर से मतदान की सुविधा की गई है। और आगे मैं आपको बताऊं तो नोटिफिकेशन 5 नवंबर को जारी होगा, उम्मीदवारों के पर्चा दाखिल करने की अंतिम तारीख 14 नवंबर को होगी। या दोस्तों मैं गुजरात के पहले चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं कि नोटिफिकेशन 5 नवंबर को जारी होगा, उम्मीदवारों के पर्चा दाखिल करने की अंतिम तारीख 14 नवंबर होगी, वहीं नामांकन पत्रों की जांच 15 नवंबर तक होगी और नाम वापसी की अंतिम तारीख 17 नवंबर है और पहले चरण में 1 दिसंबर को मतदान होगा। तो दूसरे चरण की बात कर ले, दूसरे चरण की 93 सीटों के लिए नोटिफिकेशन 10 नवंबर को जारी होगा, उम्मीदवारों के पर्चा दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 नवंबर होगी, वहीं नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर तक होगी, नाम वापसी की अंतिम तारीख 21 नवंबर है और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। और 2022 में याद रखना दोस्तों, यह 15वीं विधानसभा के चुनाव दो चरणों में होने वाले हैं। क्या? यह गुजरात में जो इलेक्शन हो रहा है वो हमारी 15वीं विधानसभा का इलेक्शन है। 2022 में 15वीं विधानसभा के चुनाव दो चरणों में होने वाले हैं, तो यह आंकड़ा भी याद रख लीजिए। 2017 में 14वीं विधानसभा चुनाव का इलेक्शन हुआ था और 2022 में 15वीं विधानसभा का चुनाव होने वाला है। दोस्तों यहाँ बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश की, वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।